नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान यास ने झारखंड में भी अपनी तबाही के निशान छोड़ दिए। चक्रवात के चलते लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर रही, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। रांची में कांची नदी पर करोड़ों की लागत से बना पुल भी तूफान यास को नहीं झेल पाया। हाराडी बूढ़ाडी पुल गुरुवार को ध्वस्त हो गया। इस पुल का निर्माण 3 साल पहले हुआ। पुल का संपर्क रोड भी नहीं बना और अभी इसका विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ। इससे पहले ही ये ध्वस्त हो गया। 600 मीटर लंबे इस पुल के अचानक धस जाने से दोनों तरफ के ग्रामीण पुल के दोनों तरफ फंस कर रह गए। पुल के ध्वस्त होने के पीछे स्थानीय लोगों की कुछ और दलील है। बूढ़ाडी गांव के लोगों का कहना है कि पुल के निर्माण के दौरान कई अनियमितता बरती गई, मजबूती का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया और दलदल में ही पुल के पिलरों को खड़ा किया गया, जिसकी वजह से नींव कमजोर रही और तूफान को नहीं झेल सके। पुल के टूटने पर गांव वालों का ये भी कहना है कि पुल के आसपास नदी से अवैध बालू खनन भी है, जिससे बालू तस्कर नदी पुल के आसपास जेसीबी लगाकर बालू खनन करते हैं। इस अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल प्रशासन इसकी जांच में लग गया। ये पुल रांची जिले के तमाड़ बुंडू और सोनाहातु को जोड़ता था। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।